हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में मैं सिमिलरिटी थ्योरम के अंतर्गत जो फर्स्ट थ्योरम आपको पढ़ना है, जिसका सिंबॉलिक क्राइटेरिया एंगल 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 है, इसका प्रूफ करना, इसका प्रूफ वाला स्टेप देना शेष रह गए थे। इस तरीके से आप देख लो कैसे इसका प्रूफ पूरा करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब प्रूफ करना होगा तो इन दोनों ट्रायंगल में आप चलोगे। सबसे पहला ट्रायंगल जिसका नाम एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम पीएसटी है, ये दोनों ट्रायंगल में पहली शुरुआत आप कर लोगे। चूंकि कंस्ट्रक्शन में आप ले चुके हो कट पी क्यू एट एस, कट पी क्यू एट एस सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी एस, तो बताओ ए बी इज इक्वल टू पी एस लिए हो ना। इसी तरह से कट पी आर एट टी सच दैट ए सी इक्वल टू पी टी, तो बताओ ए सी इक्वल टू पी टी आप लिए हो, तो यहां ए सी इक्वल टू पी टी हो गए। इसके बाद जरा गिवन को देखो, गिवन में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, तो देखो यहां एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गए। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड नाम का कंग्रुएंसी क्रिटेरिया के आधार पर कंग्रुएंट हो गए, बताओ कंग्रुएंट हो गए ना। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब लिखेंगे कैसे इसको देख लो। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ए ट्रायंगल पीएसटी, चूंकि ए बी इज इक्वल टू पीएस, ए सी इज इक्वल टू पीटी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये दोनों बातें फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से लिया गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में इस बात की चर्चा है कि कट पी क्यू एट एस सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी एस, कट पी आर एट टी सच दैट ए सी इज इक्वल टू पी टी। जब कंस्ट्रक्शन में इस बात की चर्चा है ए बी इज इक्वल टू पी एस, ए सी इज इक्वल टू पी टी, और गिवन में है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगल थे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, यह बात गिवन में है, तो यहां एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी लिखे हो, बगल में लिख देना फ्रॉम गिवन, कारण यह बात गिवन से लिया गया है। अब इसके बाद देखो, अब क्या करोगे तुम, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए, तो यहां लिखना पड़ेगा देन कंग्रुएंसी क्रिटीरिया फ्रॉम एसएस, एसीएस कंग्रुएंसी क्रिटीरिया से ट्रायंगल ए बी
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीएसटी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देन फ्रॉम सीपीसीटी, देन फ्रॉम सीपीसीटी, अब सीपीसीटी के आधार पर, सीपीसीटी के विषय में आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यह बात आपको नाइन्थ क्लास में ही बता दिया गया है। तो सीपीसीटी के आधार पर बाकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको इक्वल दिखा दिया जाएगा। तो देन फ्रॉम सीपीसीटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एस एंड एंगल टी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टी एंड साइड बी सी इज इक्वल टू एस टी। हो गई बात, सीपीसीटी वाला बात भी मैंने पूरा कर लिया। अब जरा देखो, ध्यान से देखना, मेरा कहना है दोनों ट्रायंगल इक्विएंगुलर था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू थे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, यह बात विधेयन में क्लियर कट लिखा हुआ है। तो यहां लिखना है कि चूंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एस, therefore एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, लिखना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टी, therefore एंगल आर इज इक्वल टू एंगल टी, यह बात लिखना है। जब यह बात लिखोगे तो एक छोटा वाला ट्रायंगल पीएसटी और एक बड़ा वाला ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल एंगल क्रिटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। अब यहां देखो, यह बात लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे? चूंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एस, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एस। सिमिलरली इसी तरीके से एंगल आर इज इक्वल टू एंगल टी, कैसे एंगल आर इज इक्वल टू, कैसे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल टी, क्योंकि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टी। तो जब एंगल सी एंगल आर के बराबर है और एंगल सी एंगल टी के बराबर है तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल टी होगा ना। अब जरा देखो वहां क्या रिजल्ट मिला, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल आर, देन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जम दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो यहां इस रिजल्ट के आधार पर, इस कोने में लिखा हुआ देख रहे हो आप, इस रिजल्ट के आधार पर आप लिखोगे चूंकि एंगल बी इज इक्वल एंगल की इज इक्वल टू एंगल एस, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल टी, तो लिखोगे क्या, देन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जम के आधार पर एसटी पैरेलल टू क्यूआर
जब AC पैरेलल टू QR मिल गए तो एक ट्रायंगल में उस थ्योरम को याद करो जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहला थ्योरम था। एक ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल यदि लाइन खींचते हो और वह पैरेलल लाइन बाकी दो साइडों को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या करता है, उन साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या करता है, उन साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। और यह बात हमें कहां से सीखने को मिली है, थेल्स थ्योरम से। तो यहां AC पैरेलल टू QR है ना, अब इस बात की चर्चा कर देंगे इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में चूंकि AC पैरेलल टू QR, अगर ऐसा है देन फ्रॉम थेल्स थ्योरम, अब थेल्स थ्योरम के आधार पर आप थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लिख दो, तो लिखोगे PS बटा PT इज इक्वल टू PT बटा PR लिखोगे। लेकिन यहां पर लिखना पड़ेगा बट AB इज इक्वल टू PS एंड AC इज इक्वल टू PT। यह बात कहां है, यह बात कहां चर्चा किया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन में। बट AB इज इक्वल टू PS एंड AC इज इक्वल टू PT, तो यहां पुट कर देना AC के PS के जगह पर AB पुट कर देना और PT के जगह पर AC, तो implies that PS के जगह पर AB बटा PQ इज इक्वल टू PT के जगह पर AC बटा PR। सिमिलरली इसी तरीके से यहां लिख दोगे सिमिलरली AB बटा PQ इज इक्वल टू BC बटा QR। जिस तरीके से आपने AB बटा PQ इज इक्वल टू AC बटा PR प्रूफ किए हो, उसी तरीके से AB बटा PQ इज इक्वल टू BC बटा QR प्रूफ कर लोगे। अब बताओ इन दोनों केसेस का फाइनलाइज रिजल्ट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अगर ऐसा है therefore AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अब बताओ पहले से ट्रायंगल इक्वी एंगुलर था, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी मुझे इक्वल मिल गया। दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए बस यही दो कंडीशन को प्राप्त करना होगा। तो इक्वी एंगुलर तो दिया हुआ था और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को मैंने इक्वल दिखला दिया। अब इतना के बाद लिख देंगे और क्या लिख देंगे, चूंकि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर इक्वी एंगुलर एंड रेशियो बिटवीन
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, हेंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। दोनों ट्रायंगल को मैंने सिमिलर साबित कर दिया और इसको एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में पैक करके आप लास्ट में प्रूफ लिख दोगे। बताओ लिख दोगे आप? तो इस तरीके से जो सिमिलरिटी क्रिटेरिया एंगल 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 है, जो चैप्टर नंबर सेकेंड का फर्स्ट थ्योरम है, जिसका आंशिक हिस्सा लेक्चर नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट में सेंड किया हुआ है, उसको लेक्चर नंबर सिक्स का सेकेंड पार्ट में इस तरीके से पूरा कर लिया गया। तो बताओ स्टूडेंट्स, इस काम को भली भांति कर लोगे आप? हमें लगता है यह काम बिल्कुल ही आप पूरा कर लोगे। जितना मटेरियल मैंने इसमें दिया है, इसमें जरा भी कहीं से कंजूसी मत करना, और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, इस काम को आप बखूबी अच्छे से कर लोगे। बताओ कर लोगे ना?